हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाएँ एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम एक अलग तरह के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी दोबारा क्यों नहीं की जा सकती। ये टॉपिक पर बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बाईपास सर्जरी का परहैप्स ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर एक बार सर्जिकल रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं या सर्जिकल रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है या ग्रास में रीब्लॉकेज आता है या कुछ भी इस तरह का टेक्निकल इशू आता है तो दोबारा बाईपास सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। इसके क्या कारण है, क्या बेसिक ये कारण को समझना और जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एंजियोप्लास्टी को सबसे बड़ा एडवांटेज एक तरह से यही मिलता है। ऑब्वियसली नॉन इन्वेजिव है, लेस इन्वेजिव है, ये तो एडवांटेज है ही एंजियोप्लास्टी के लिए, लेकिन ये एक बड़ा डिसएडवांटेज बाईपास सर्जरी के लिए होता है। और एंजियोप्लास्टी के लिए एडवांटेज होता है कि इसमें रिपीट प्रोसीजर पॉसिबल है, एंजियोप्लास्टी में बाईपास में नहीं पॉसिबल है। इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे और समझेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको एंड तक देखिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें वीडियो को और चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। आते आज के टॉपिक पर। बेसिकली बाईपास सर्जरी इज़ अ वन टाइम जॉब, एक ही बार की जा सकती, बार बार नहीं की जा सकती। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दो प्रमुख कारण है इसके। एक तो ऑब्वियसली ये है कि छोटी सर्जरी नहीं है, बड़ी सर्जरी है, छाती को खोल के करना पड़ता है। एक बार हम जब स्टर्नम को ओपन करके हार्ट को एक्सपैंड करते हैं, बाईपास ग्राफ्ट वगैरह करते हैं, तो इसमें दोबारा प्रोसीजर पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी कोई सर्जरी तो है नहीं कि जिसको चलो या छाती में कोई जिप लगा कि खोला है, फिर से दो ग्राफ्ट लगा दिया, फिर बंद कर दिया, फिर खोला। बड़ी सर्जरी है, स्टर्नम को काटना पड़ता है। स्टर्नम एक बार काटने के बाद थोड़ा वीक हो जाता है, छाती के जो टिश्यूज़ है जिनको कट करके हम हार्ट तक पहुँचते हैं वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, तो दूसरी बार जब उनको कट करने का नौबत आता है तो वापस वहाँ पे जितने जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे जो फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रस स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। ये फाइब्रस स्ट्रैंड्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स में खिंचाव कर सकते हैं। जब दोबारा सर्जरी करने के लिए सर्जन उनको ओपन करता है या कट करने की कोशिश करता है तो इन खिंचाव की वजह से बड़ी बड़ी नलियाँ फट सकती है, हार्ट डैमेज हो सकता है, तात्कालिक मृत्यु हो सकती है। इसलिए सर्जरी दौरान इसको काटना भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इसलिए रिपीट सर्जरी में सर्जिकल मोर्टैलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर सर्जन इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि रिपीट सर्जरी में, चाहे वो बाल की सर्जरी हो या बाईपास सर्जरी हो, दोबारा सर्जरी करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, लॉन्ग टर्म लोगों का कंडीशन कई बार बिगड़ भी सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में रिकमेंडेड ज़्यादातर यही है कि बाईपास सर्जरी एक ही बार की जाए, बार बार उसको करने में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण ये है, जो कि बेसिक टेक्निकल एक फ्लॉ है, कि बाईपास सर्जरी जो है बाहर से ग्राफ्ट लगा दिया जाता है। ये ग्राफ्ट में हम कोई रबर की ट्यूबिंग्स या बाहर के चैनल्स नहीं लगा सकते इस, और बॉडी में ये जो ग्राफ्ट्स हैं नंबर लिमिटेड है क्योंकि हम पाँव से दो ग्राफ्ट ले सकते हैं, हाथ की लेफ्ट रेडियल से ले सकते हैं, राइट रेडियल क्योंकि वर्किंग हैंड होता है उससे नहीं ले सकते, इंटरनल मेमोरी आर्टरी एक जगह से ले सकते हैं। तो दोबारा अगर हम सर्जरी करने के जाएंगे तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो यूजेबल हैं वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि पाँव की नली में दो ग्राफ्ट, हाथ में एक ग्राफ्ट, इंटरनल मेमोरी भी एक साइड का ही ज़्यादातर यूज़ कर पाते हैं, दूसरी साइड का अगर यूज़ करने जाते हैं तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, वुंड हीलिंग कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि दूसरी बार आप करने जाओगे तो सर्जरी तो ले लोगे, ग्राफ्ट कहाँ से लाएंगे। ऑलरेडी पहली बार सर्जरी में कई बार 3, 4, 5 ग्राफ्ट्स भी यूज़ हो जाते हैं, तो सेकेंड टाइम सर्जरी करने के लिए ग्राफ्ट्स ही नहीं बचते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सेकेंड टाइम अगर मान लीजिए पिछला ग्राफ्ट बंद हो गया तो दोबारा ग्राफ्ट्स लगाने के लिए नंबर ऑफ साइट्स कम हो जाते हैं, और ऑब्वियसली अगर तीसरी बार सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं होता। अनलेस आप कोई आर्टिफिशियल ट्यूबिंग्स वगैरह यूज़ करें, ऑब्वियसली उससे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तीसरा मेन प्रॉब्लम ये है कि जो बाईपास जब हम करते हैं तो एओर्टा यानी बड़ी धमनी से नेटिव वेसल पर ग्राफ्ट लगाते हैं, यानी कि जो ब्लॉकेज है उसके अक्रॉस उसके दूसरे सिरे पर हम ग्राफ्ट या ट्यूबिंग अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज के थ्रू ब्लड नहीं जाता, डायरेक्ट एओर्टा से नली के डिस्टल सिरे पर चला जाता है। पर क्योंकि बाईपास सर्जरी में सर्जन ग्राफ्ट लगा सकता है लेकिन नलियों को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे लाखों करोड़ों कोलैटरल्स ऊपर वाले ने बनाए वो नेटिव वेसल में बनाए हैं, सर्जिकल ट्यूब में ये छोटे छोटे कोलैटरल्स नहीं होते। ये छोटे छोटे कोलैटरल्स जब हम नेचुरल वेसल यूज़ करते हैं तो जो खुद की नलियाँ होती हैं उसकी करोड़ों छोटी छोटी ब्रांचेज होती है जो एक एक सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, लेकिन जब सर्जिकल ग्राफ्ट लगाते हैं तो वो सिर्फ एक एक्सटर्नल ट्यूबिंग होता है जो कि खुद की नली में कनेक्ट होता है। जब वो खुद की नली में कनेक्ट होता है तो नेटिव वेसल में अगर डिजीज़ प्रोग्रेस हो गया है, नेटिव वेसल अंदर से सड़ गई है या नेटिव वेसल में प्रॉब्लम हो गई है,
तो दोबारा से अगर आप ग्राफ लगा भी दोगे, खुद की नलियाँ अगर सड़ गई तो परफ्यूजन नहीं मिलेगा, कोशिका तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। मान लीजिए बाहर का ग्राफ्ट अगर बंद भी हो गया, आपने दोबारा सर्जरी करके नया ग्राफ लगा भी दिया, लेकिन दोबारा ग्राफ लगाने से भी जो खुद की नली अगर बंद हो गई है, सड़ गई है, या उसके ब्रांचेस ऑफ कोलैटरल्स वगैरह बंद हो गए, तो ब्लड टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा, हार्ट फेलियर में ही रहेगा। दोबारा सर्जरी करने से आप एक्सटर्नल ग्राफ्ट तो लगा सकते हो, लेकिन नलियों का खुद का रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग इसको ट्रीट करने के लिए नलियों का एंडार्ट्रेक्टमी करते हैं। एंडार्ट्रेक्टमी नली के अंदर के जो क्लॉट्स और कचरा होता है उसको बाहर निकालने का कोशिश किया जाता है सर्जिकली, लेकिन उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। नली का अंदर का पूरा एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाता है, दोबारा प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है। सडनली ग्राफ्स के और खुद की नली के बंद होने आने का चांस बहुत बढ़ जाता है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। इसीलिए वैसे केसेस में सर्जरी दोबारा करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि नलियाँ ज़्यादातर सड़ जाती हैं। चौथा रीज़न ये है कि क्योंकि बाईपास ग्राफ्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ब्लड जो है ग्राफ्ट के थ्रू जाता है, खुद की नली के थ्रू नहीं जाता, खुद की नली के थ्रू जो ब्लड आता है वो उल्टी दिशा में जाता है, रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जाता है, यानी पहले ग्राफ्ट से नीचे जाता है उसके बाद वापस उल्टे डायरेक्शन में आता है। हालांकि ये काफ़ी फोर्स से आता है, इसलिए ब्लड का परफ्यूजन प्रेशर ठीक रहता है, लेकिन ये एक बड़ा फ्लॉ है जिसकी वजह से नेटिव वेसल जो खुद एरिया यूज़ नहीं हो रहा वो सड़ जाता है। तो नेटिव वेसल का प्रोग्रेशन है डिजीज़ का जो, वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी से पहले अगर किसी नली में 70-80% ब्लॉकेज हो, तो सर्जरी के तुरंत बाद या 6 महीने या साल भर के बाद वो नली में 80% से 100% हो जाता है। अगर वो नली को हम यथास्थिति पर छोड़ दें या उसमें ग्राफ ना लगाएं, तो वो नली में 80% से 90% या 100% पहुंचने में हो सकता है 5 साल भी लग जाए, 10 साल भी लग जाए। लेकिन जब हम बाईपास करते हैं तो वो नली में ग्राफ्ट लगाने की वजह से खुद की नली यूज़ नहीं हो पाती है, और वो 80 से 100% का सफ़र जो है नली 2-4 महीने 6 महीने में या कुछ एक आध साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, और वो नली बंद हो जाती है। बंद होने के बाद उसमें दोबारा प्लास्टिक पॉसिबल नहीं होती, वो ब्लॉकेज अंदर से हार्ड हो जाता है, नलियाँ सड़ जाती है, कैल्सीफाइड हो जाती है। इसलिए ऐसी नलियों में अगर हम दोबारा एंजियोप्लास्टी करते भी हैं तो वायर क्रॉस नहीं कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और अगर वायर क्रॉस हो भी गया, स्टेंट कर भी दिया, तो भी नलियों में इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, नलियाँ अंदर से ख़राब हो चुकी होती है। तो ये नेटिव वेसल डिजीज़ का प्रोग्रेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दोबारा बाईपास सर्जरी कर पाना मुश्किल है। यानी बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट रीज़न, एक तो बड़ी सर्जरी है, दोबारा बार बार नहीं कर सकते, सेकेंड प्रॉब्लम यह कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए आप दूसरी बार करोगे तो ग्राफ्ट्स कहाँ से लाओगे, तीसरा प्रॉब्लम यह है कि जो नेटिव वेसल में जिसको कनेक्ट करते हैं वो अंदर से सड़ जाती है, तो इसकी वजह से अगर आप दूसरा ग्राफ बदल भी दोगे तो नली का कुछ नहीं कर सकते, और चौथी प्रॉब्लम ये है कि नली का डिजीज़ का प्रोग्रेशन ही इतना फास्ट हो जाता है कि उसमें परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, भले वही ग्राफ चलता भी रहे तो भी टिश्यू में ब्लड नहीं पहुंच पाता, डिजीज़ बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। इस टॉपिक में हमने डिस्कस की कि ज़्यादातर केसेस में दोबारा बाईपास सर्जरी पॉसिबल क्यों नहीं होती है, इसको हमने समझने की कोशिश की है। होपफुली आपको मेरे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसके टेक्निकल रीज़न समझ में आए होंगे। एंजियोप्लास्टी के लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि अगर दोबारा ब्लॉकेज भी हुआ तो भी हम ट्रीट कर सकते हैं मल्टीपल जगह एक बार में, अगर एक जगह पे अगर मल्टीपल ब्लॉकेज बार बार भी आ रहे हैं तो भी हम उसको रिपीटेड स्टेंटिंग के लिए ले सकते हैं, बार बार प्रोसीजर कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम या टेक्निकल चैलेंजेस कंपेरेटिवली कम रहते हैं दोबारा प्रोसीजर अगर की ज़रूरत पड़ती है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से लोग एंजियोप्लास्टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाईपास, कि बाईपास दोबारा नहीं हो सकता, एक बार कर दिया सक्सेसफुल हुआ तो ठीक, जहाँ ग्राफ्स बंद होना चालू हो गए वहाँ पेशेंट को दोबारा आप ट्रीटमेंट ऑफर नहीं कर सकते, पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है और कई बार पेशेंट मर भी जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना और जानना जरूरी है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज ये कि हार्ट और हेल्थ रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको जगह जगह डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछना नहीं पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप अपने पेशेंट को बेटर मैनेज कर सके, उनकी बीमारी को समझ सके, उनकी कंडीशन को बेटर वे में मैनेज कर सके, उनकी लाइफ को बेटर बना सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि कुछ और आपके टॉपिक्स हैं, सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं जो आप हमें पूछना चाहते हैं, तो उनके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि फ्यूचर में उन सजेशंस को ले सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें और आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व आउट करने का कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा, और उम्मीद करूँगा कि इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिकली करेक्ट नॉलेज मिली होगी।
जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।